अब जरिया नजर आया है, ये जो लोग हैं इनको यहाँ पे काट रहे हैं अपनी मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए उनको खिलाते हैं। जरा काटे हैं आपने, देखो क्या काट रहे हैं। अच्छा, ये अपने जानवरों के लिए ये ना यहाँ से घास वगैरह ले जाते हैं, उनको खिलाते हैं घर। और ये काफी दूर से कहती हैं हम आए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से घास वगैरह ले जाते हैं, हम गरीब हैं इतना खरीद नहीं सकते, अफोर्डेबल नहीं है इतना। बाल की थी कभी बुढ़े नहीं जा सकती, बाल तो उनका एक बेटा है एक बेटी साथ है, ये है अम्मा है, ये बेचारी जरीफ है खुद काम कर रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे धनिया लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये घास बना कर रखा हुआ है अपने जानवरों के लिए, यहाँ से उठा कर ले जाते हैं उनको खिलाते हैं। तो वो कहती हैं कि हम अपना भी पेट मुश्किल से पालते हैं, तो जानवरों को खिलाने के लिए जो है हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम यहाँ से इसको इकट्ठा करके ले जाते हैं काट कर, फिर अपने जानवरों को खिलाते हैं। क्या करूँ गरीब है। ये देखें ये यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा खराब धनिया है वो यहाँ से तोड़ के ले जाती है अपने घर। वो कहती हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा यानी कि काम आता है हमारे जानवरों के लिए। यहाँ पे सब्ज धनिया है बहुत सारा यहाँ पे लगा हुआ है, हमें यहाँ पर मिली है फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा बेचारी है, हमारे जो माली हालात है बहुत ज्यादा खराब है, तो मैंने इनसे इनका घर का एड्रेस पूछ लिया है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी इनकी हेल्प करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं इनके घर जाऊँगी। खुद भी गरीब हैं कहनी, वेले भी है वेले भी कहनी, निके निके थी हैं पुत्र हैं अल्लाह सारा साको गरीब क्या किते, कई बने दे आमने दे कोई नहीं आम लेंदा, और मिन्नत की तो से हाथ बदो से कहीं दे बने दे हम निके निकल खा मुझे दे बैठे से, मैं क्या करूँ गरीब माल। आप नहीं परेशान नहीं हो ना, हम आपके घर आएंगे इंशाल्लाह, जो हमसे होगा आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, आप भी बिल्कुल परेशान। ठीक है जी, ओके फ्रेंड्स, जरा हम आगे चलते हैं, थाने मिन्नत की देखो ना के खेल जा रहे, तो चलो की मुलाकात करवाएंगे इनके घर जाकर। अल्लाह का काफी कच्चे हैं, बिल्कुल ये तैयार नहीं है। यहाँ पे इसके नीचे एक छपरा सा बना हुआ है, छत टाइप यानी कि कमरा टाइप में आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स मैं और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे कुत्ते के जो बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आए जल्दी से यहाँ पर ये देखें सो रहे हैं, इनकी माँ जो है वो यहाँ नहीं है, वो बच्चे देखे आराम से सो रहे हैं लगता है ये। अब फ्रेंड्स ये देखे छोटे छोटे से हैं बिल्कुल, इनकी आंखें भी अभी बंद है, खुली नहीं है। जो इनकी माँ है वो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हमने जल्दी से इनकी वीडियो बना ली है। बहुत प्यारे क्यूटी से पप्पीज हैं ये। और ये छपरा भी आपको नजर आ रहा है, इसके नीचे ये रहते हैं, यहाँ पे इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, वहाँ पे वो आराम से हवा में सो रहे हैं। लकड़ी का फ्रेंड पप्पीज को हम बाय बाय कहते हैं। ओके बाय, मैं आपको साग दिखाती हूँ। ये देखिए इसके बीच में साग लगा हुआ है, हमने जो है इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मैं आज साग तोड़ रही हूँ, इसको हम घर जाके फिर बनाएंगे, बहुत ही मजे का बनता है। और जो हम अपने हाथ से तोड़ कर बनाते हैं वो तो और भी ज्यादा अच्छा बनता है। इसका हम सालन बनाएंगे, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। इधर से मैंने तोड़ लिया है, अब थोड़ा उधर चलते हैं। अब मैं थोड़ा आगे आ गई हूँ, यहाँ पे भी हमें साग नजर आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ लिया। ये जो साग वाले अंकल हैं उन्होंने हमें कहा है कि आप इसको तोड़ लें, कोई ऐसी बात नहीं, ये जो आपका सालन है बहुत अच्छा बनेगा साग का। वो कहते हैं कि यहाँ का जो साग है काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छा बनता है ये, इसलिए इसको तोड़े हैं। इसको मैंने कभी इसको तोड़ा नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इसको तोड़ रही हूँ। अक्सर हम बाज़ार से लेकर जो है बना लेते हैं, कभी ये नहीं सोचा कि कैसे लगता होगा या कैसे लोग किसान वगैरह तोड़कर उसको बाज़ार में ले आते हैं और मेहनत करते हैं। तो आज जो मैं मेहनत कर रही हूँ थोड़ी सी, तो मुझे पता चला है कि कितनी मेहनत होती है। ये देखें मैंने तो काफी सारा ही उनका साग तोड़ लिया है, लेकिन डोंट माइंड, वो अंकल अच्छे हैं, कुछ नहीं कहेंगे। चलिए जरा आप आगे चलते हैं, आगे जो है पालक है वो भी तोड़ेंगे। फ्रेंड्स मैं ये साग जो है तोड़कर आगे ऊपर आ चुकी हूँ, एक ग्राफ नजर आ रहा है, ये देखिए कितना ऊंचा है और काफी पुराना भी है। साग जो है मैंने तोड़ लिया है, अब आगे चल के हम पालक तोड़ेंगे। अब हम साग से हटकर जो है मूलियों की तरफ आ गए हैं। ये देखिए आपको मूलियों की बड़ी बड़ी बेलें दूर तक नजर आ रही होंगी, ये सारी मूलियाँ लगी हुई हैं, जिसने नहीं देखी वो देख लें। ये देखिए मूलियाँ इस तरीके से रखी हैं इन पत्तों में, इसमें से ये देखें एक मूली हमें नजर आ रही है, इसको हम निकालते हैं। अब वो बाहर नहीं आना चाहती लेकिन मैं जबरदस्ती उसको निकाल, ये देखें फ्रेंड्स ये निकल आई है, ये देखें ये देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी मूली जो है इधर लगी हुई है, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी है। चले मूलियां भी आपको दिखा दी हैं, अब घर जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ही रखिए अपना बहुत ख्याल।